वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का हिंदी जो है, नॉन हिंदी नहीं है, ये हिंदी है जो उर्दू वाले लोगों के लिए नहीं है। ये बहुत ही शानदार एक निबंध है जो आपके युग और जमाने में एक नए तरह का परिवर्तन लाएगा। ये इतना जबरदस्त निबंध है, इसमें किसी तरह के पुरानी रीतियों रिवाज को निभाने के लिए नहीं कहा गया। जो भी पुराना परंपरा चला आ रहा है उस परंपरा में कुछ परिवर्तन करने के लिए इसमें सीख दिया गया। यह निबंध हमें यही सीख देता है। सबसे पहले इसमें राम विलास शर्मा जो है, इनके बारे में जान ले, लेखक का परिचय कि आखिर क्या कर रहे हैं। राम विलास शर्मा यहां है, ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है, परंपरा का मूल्यांकन। आखिर ये जो लिखे हैं निबंध, ये कोई ना कोई मोटा किताब से लिए होंगे। तो एक बहुत मोटा इन्हीं का किताब है, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। उसी में से कुछ हिस्सा आपके 10th क्लास में डाले हैं कि जितना भी परंपरा चलते आ रहा है, मान लीजिए परंपरा है कि शादी करना है, तो हिंदू धर्म में शादी करने का परंपरा है कि मांग में सिंदूर पड़ना चाहिए, गले में मंगलसूत्र, ये एक परंपरा है, ठीक है। लेकिन क्या यह परंपरा सही है, इस परंपरा के जांच पड़ताल किया जाए। मूल्यांकन का मतलब जांच पड़ताल किया जाए और उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। अगर उसमें परिवर्तन होगा तो आगे जो भी लोग शादी ब्याह करेंगे कुछ अलग तरीका से करेंगे। जैसे कोर्ट मैरिज हुआ तो परंपरा टूटा कि नहीं, एक तरह से परंपरा टूटा और कोर्ट मैरिज हुआ। तो हमेशा युग में परिवर्तन यानी होते रहता है, ठीक है। उसी के बारे में यहां एक्सप्लेन किया गया, कैसे जो भी पुराना परंपरा चलते आ रहा है, ठीक है, उसका जांच पड़ताल किया जाए, क्या वो परंपरा सही है। यहां देखिए राम विलास शर्मा, आप याद कैसे रखेंगे, भगवान राम थे, ठीक है, वो हर एक परंपरा को निभाए, ठीक है। उनकी माँ एक बार बोल दी कि 14 वर्ष का इनको वनवास होना चाहिए, तो अपने परंपरा को भूले नहीं, और भगवान राम अपने परंपरा को नहीं भूले और वो कहाँ चले गए, वनवास चले गए। यानी राम विलास कहाँ चले गए, तो याद रखिए परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा को निभाते निभाते वनवास चले गए। यहाँ समझिएगा, इनका जन्म 1912 अक्टूबर 1912 में हुआ, उचका गांव सानी में हुआ। आपसे पूछेगा कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो उचका गांव सानी में हुआ था, ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई भी किए थे, ये बीए किए थे कहाँ से, लखनऊ विश्वविद्यालय 1932 में। यानी 12 में इनका जन्म हुआ और 1932 में ये बीए कर रहे थे। लगभग 20 वर्ष के उम्र में इनका बीए फाइनल था, ठीक। उसके बाद से अंग्रेजी माध्यम से इन्होंने एमए की पढ़ाई की, ठीक है, और जब एमए की पढ़ाई कर लिए 1934 में, दो साल के बाद 1934 में एमए की पढ़ाई कंप्लीट कर लिए, तो 38 तक ये शोध करता रहे, सिर्फ शोध करते रहे, प्रैक्टिकल करते रहे। यहाँ समझिएगा इनका कार्य क्या करता, जब पढ़ाई लिखाई कर लिए तो ये क्या करेंगे, किसी ना किसी कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह का पद तो निभाइवे करेंगे। तो याद देखिए 1938 के बाद से 1938 से 1943 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किए, पढ़ाने का काम अंग्रेजी भी, क्योंकि अंग्रेजी से एमए किए थे, तो क्या अंग्रेजी विभाग में कार्य, अंग्रेजी विभाग से अध्ययन कार्य के, इतना याद रखिएगा। आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति अनुरोध पर, एक वहाँ कुलपति थे उनके अनुरोध पर, ठीक है, के एम हिंदी संस्था के निदेशक भी बने, याद रखिएगा। के एम, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, के एम हिंदी संस्था के निदेशक किसके कहने अनुसार बने, किसके कहने पर बने, किसके अनुरोध पर, कुलपति के अनुरोध पर। कहाँ बने, तो आगरा में, ठीक है। अब देखिए 1949 से 1953 तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पर तो पूरा का पूरा ये लेसन है, 7 लेसन क्या है। देखिए भारतीय प्रगतिशील लेखक यानी कि जितने भी लेखक हैं वो जमाने में कैसे मतलब परिवर्तन करते हैं, उनकी एक एक कहानी कितना मोटिवेशनल, मतलब मोटिवेट लोगों को करती है कि सीधे जमाने को परिवर्तन कर दिए। लेखक के बाबू कहानी जो होता है ना, वो लोगों के अंदर क्रांति की भी भावना उत्पन्न कर देती है। कोई कोई देखना वर्ड ऐसा ऐसा लिखा रहता है कि देख के एकदम अंदर से जुनून आता है, तो वो सब लेखक कवियों की ही देन है। तो वहाँ के महामंत्री थे, यानी इनकी जितनी भी कहानियाँ कविता निबंध होती थी वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती थी लोगों को। अब देखिए लास्ट में उन्होंने रिटायर हो गए 1974 में, और बेचारे 2000 ईस्वी में 30 मई को उनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई। अब देखिए ये जो भी गद्य लिखते थे उनकी विशेषता थी कि उस तर्क था और तथ्य और तर्क था, उसमें कुछ ना कुछ तथ्य रहता था और उसमें तर्क था कि क्या यह सही है। अब आपसे तर्क का मतलब क्या हुआ, आप हमसे बात कीजिए कि भगवान होता है, तो आप साबित तो कीजिए कि भगवान होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये तर्क वाला बात हो गया, डिस्कशन वाला बात हो गया। तो इनके हर लेसन में ही डिस्कशन था, और उस डिस्कशन से जो निष्कर्ष निकलेगा वो नए जमाने में लोगों को बताएगा कि नहीं ये बात सही है, पुराना वाला बात गलत है। जैसे आप याद कीजिए कि बहुत पहले सती प्रथा आप लोग पढ़े होंगे, उसमें क्या किया जाता था कि जब किसी के पति मर जाते थे तो पत्नी को जला दिया जाता, यह एक परंपरा थी।
क्या थी, बहुत दिन से परंपरा चले आ रही थी। लेकिन जब सभी लेखक लोग, सभी लोगों ने देखा, अंग्रेज भी वहाँ पे थे, ठीक है, यूरोप के लोग भी आए थे, उन्होंने देखा कि नहीं, ये परंपरा उचित नहीं है, समाज के लिए गलत है, ठीक है। तो वो क्या किए, पुराने पुराने जितना भी इतिहास था सबको पढ़े कि किस तरह से परंपरा था, और उस परंपरा को पढ़ के नॉलेज लिए, ज्ञान लिए, और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए। बाकी शब्द ठीक है, जितना भी पढ़े हैं उस सब नॉलेज लिए हैं, भाई हाँ भारत में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो परंपरा है ये नहीं होना चाहिए कि पति के मरने के बाद जिंदा पत्नी को उस पर रख के जला दिया जाए, ठीक है। तो ये परंपरा में थोड़ा सा सुधार किया गया, तो नए युग में सुधार हुआ कि नहीं, तो ऐसे ही परंपरा यानी जो भी चला रहा है उसके किताबों को, साहित्यों को पढ़ लेने के बाद, पुराने पुराने कवियों के किताबों को पढ़ करके उसमें जो खराब लगे उसमें परिवर्तन करना, नए युग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनको, निराला का साहित्य साधन, ये निराला का किताब भी पढ़े हैं। बोले ना कि कोई भी लेखक, पुराने पुराने अपने जितने भी लेखक हैं उनका किताब पढ़ के पहले ज्ञान लेता है, शब्द इकट्ठा करता है, फिर जाकर के अपना नया कुछ उसमें परिवर्तन करता है। इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, देखिएगा इनका रचना याद करने का कितना आसान ट्रिक है। देखिए, ये ऐसे कवि थे रामविलास शर्मा, जो दूसरे जितने भी कवि थे उनकी किताबों को पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, जो जो बात उसमें अच्छा लगता था उसको दिमाग में बैठा के उसमें कुछ अपने से परिवर्तन करके, ठीक है, और फिर किताब लिखते थे। यानी कि ये डायरेक्ट वही चीज़ नहीं लिखते थे, उसमें कुछ नया, ताकि जमाने को, पूरे दुनिया को कुछ उससे सीख मिले और अपने आप में परिवर्तन करे। तो देखिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र के उन्होंने क्या, और हिंदी आलोचना का किताब पढ़े हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र जिनको हिंदी का पिता माना जाता है, हिंदी के पिता का पढ़े हैं, तो हिंदी के पिता भरतेंदु हरिश्चंद्र इनके बारे में जब पढ़िएगा तो आप भी कुछ हिंदी में अच्छा लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेमचंद और उनका युग, ठीक है, प्रेमचंद के बारे में लिखे हैं, इस सब अधिकतर किसी न किसी लेखक को ही पढ़े हैं, ठीक है, भाषा और समाज पढ़े हैं ताकि समाज में परिवर्तन हो। भारत में अंग्रेजी राज, उस समय था भारत में अंग्रेजी राज, और फिर मार्क्सवाद, कैसे लोगों ने क्या किया, स्वाद का मतलब क्या, ये मार्क्सवाद की किताब पढ़ते, मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो थे वो किस तरह की बातों से लोगों को मोटिवेट कर देते, उनके बारे में पढ़ करके आज युग में परिवर्तन करना चाहते। विराम चिन्ह, बड़े भाई, ये सब उन्हीं के लिखा हुआ है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अब देखिए परंपरा का मूल्यांकन से ही क्या है, संकलित है। अब यही बात है कि ये जो परंपरा का मूल्यांकन ये इसी किताब से लिया गया है। पाठ में क्या है, जो लेखक हैं वो समाज के बारे में, साहित्य जो पुराना पुराना मोटा मोटा किताब है जिसमें साहित्य में वेद वगैरह जितना भी है इस सब को अध्ययन करने को बोल रहे हैं, ठीक है। अध्ययन करने के बाद जो चीज़ अच्छा लगे वो समाज को उसमें और कुछ जोड़ करके और नया तरीका से समाज को चलाने के बारे में उसमें लिखा जाएगा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब आप पढ़िएगा जैन धर्म तो जैन धर्म में महिलाओं को बहुत ही नीचा दिखाया गया है। तो आप बताइए कि जब कोई पढ़ा है तब ना बोला है कि जैन धर्म महिलाओं को नहीं अपनाना है, ठीक है, उसके बाद से महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना है, अगर वो वेद मतलब वेद पढ़ने से एकदम मना कर दिया गया है, या फिर एस सी एस टी यानी जो छोटे जात के लोग हैं, ठीक है, उनको भी वेद पढ़ने से पंडित जी लोग मना कर दिए थे, ठीक है, माने उस समय के जो ज्ञानी लोग थे। इसका मतलब कि जब ये सब पढ़ा गया कि अरे यार इनको तो वेद पढ़ने से मना किया गया है, ठीक है, ये एक साहित्य में सब लिखा है, तो बाद में उसको परिवर्तन किया गया, तो वेद पढ़ने से ज्ञान ले लिए, और ज्ञान लेकर के जो चीज समाज के लिए अच्छा है एक नया दिशा निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, कि नहीं वेद सब कोई पढ़े ताकि सब कोई ज्ञानी बने, तो क्या किया, पुरानी चीजों को, रूढ़िवादी प्रथाओं को काट करके युग में परिवर्तन किया। इसीलिए बाबू हर परंपरा जो पुराना चला आ रहा है उसको जांच पड़ताल मूल्यांकन करके उसमें युग परिवर्तन किया जाता है, फिर नया जमाना में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साहित्य का सामाजिक विकास में क्रांति के परिवर्तन, एक और बात, अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटा पुराना पुराना राजाओं महाराजाओं का के जमाने का साहित्य पढ़ रहे हैं तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। क्यों, आप देखिएगा एक देश का अगर बात करें, ठीक है, इसमें लेसन में समझो तो पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ लेखक के बारे में ही, बहुत आसान है। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, ठीक है, तो क्या काम था उनका, राजा महाराजा मतलब जनता को सताते थे, आज क्या हो रहा है, नेता लोग क्या कर रहे, जनता को सता रहे, तो ये परंपरा चलते आ रहा है। लेकिन कुछ हद तक लोग क्या कर रहे हैं, पुराने इतिहास को पढ़ करके अच्छा लग रहा है कि राजतंत्र यहाँ चला रहा है, तो राजतंत्र वर्ड कहाँ से है, पुराना पढ़ा होगा, तो अब इसके दिमाग में सोच आया और सभी लोग एकगुट होंगे और एकगुट बना करके, ठीक है, एकजुट होकर के एक गुट बनाएंगे, गुट मतलब संगठन होता है, और उसके बाद से उसके खिलाफ क्रांति कर देते हैं। तो वो किसकी देन है, साहित्य की देन है, और साहित्य एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करती है। जब रूस की क्रांति हुई थी और उस समय जर्मनी अटैक किया था तो रूस में भी अलग अलग जाति
जाति के लोग थे, 1917 की बात है, रूस में जब अलग अलग जाति के लोग थे तो वो क्या करते हैं, वो जब अलग अलग जाति के लोग हैं तो एक कैसे होंगे, तो बाद में उन लोगों को परंपरा का मूल्यांकन कैसे हुआ, सभी लोगों ने समझाया कि देखो हम जात का हैं वो बात अलग है, लेकिन हमारी पीढ़ी शुरू से ही एकजुट होकर के पूरे रूस का साथ दिए, ठीक है, हम लोग रूस के निवासी हैं। तो बताइए साहित्य पढ़ने से उनको क्या पता चला कि यानी कि हम जात वोत वाला बात हटा देते हैं, हम एकजुट हो जाते हैं क्योंकि हम सब लोग क्या हैं, रूस के हैं। तो इस हिसाब से बताइए साहित्य जो है इस क्रांति लाया कि नहीं, एकजुट किया कि नहीं। तो उस तरह परंपरा का ज्ञान, समझ, मूल्यांकन का विवेक जगाना, यानी साहित्य का काम क्या है, सबसे पहले आप साहित्य को पढ़ के ज्ञान ले लीजिए कि आखिरकार इस पुराने जमाने में पहले क्या हुआ करता था, उसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ले लेने के बाद उसको समझिए कि क्या वह ज्ञान जो साहित्य मिला था वो सही है, या फिर वो थोड़ा सा सही है उसमें और कुछ जोड़ करके, तब हम दुनिया के सामने एक किताब लिखते हैं ताकि दुनिया पढ़े तो उसे सुधर जाए, एक युग परिवर्तन हो जाए, ठीक है, यानी उसका मूल्यांकन करके, और क्या विवेक जगाता है, यानी सबके अंदर एक सोचने की शक्ति जगाता है, यही है सामाजिक विकास, क्रांतिकारी परिवर्तन, और उसमें क्रांतिकारी एक परिवर्तन आता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब 5 मिनट में लेसन में कुछ टॉपिक है उसको पढ़िएगा, यही सिर्फ युग परिवर्तन के बारे में बताना है कि, तो बिना देर के हम लोग लेसन की तरफ चलते हैं। अब यहां देखिए जितनी भी परंपराएं चलती आ रही है उसके जांच पड़ताल यानी इसके मूल्यांकन करने से क्या क्या फायदे हैं वो हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लिख दिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता के युग में अनुकूल नई समझ, अगर नई जितने भी परंपरा के बारे में अगर हर चीज़ हम बता रहे हैं कि पुरानी जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो पढ़ने के बाद से हमारे अंदर जुनून पैदा करता है कि पहले की परंपरा ऐसे चल रही है तो ये परंपरा गलत है, इसको सुधार करके नए युग में, यानी जितने भी नए पीढ़ी के लोग जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हमारे अंदर विचार है कि नहीं पुराना वाला सिस्टम गलत है, थोड़ा सा नए वाले सिस्टम से चले हम लोग, ठीक है। तो नई पीढ़ी में परंपरागत और आधुनिकता यानी आधुनिक यानी नया बनाने का, नया युग शुरुआत करने का एक समझ पैदा करती है, ठीक है, नहीं तो पुराने जमाने में वही बैलगाड़ी वाला सिस्टम रहता, अब वो सब हम लोग देखते हैं किसी किसी फिल्म में। अच्छा बताइए फिल्म में क्या होता है, फिल्म कैसे बनता है, कहानी तुम देखना बाबू, इसमें होता क्या है कि हर वक्त लास्ट में फिल्म में हीरो जीतता है और विलेन उसका हार जाता है। इसका मतलब ये शुरू से चलते आ रहा है कि जो बुरा काम किया है, ये हमारा परंपरा है कि जो बुरा काम किया है, ठीक है, वो हारेगा और जो अच्छा सच्चाई के साथ है वो जीतेगा, ठीक है। हर तरह से देखो एक फिल्म जब बनता है तो उसमें विलेन कैसे कैसे गलत काम करता है, उसको रोकने के लिए कोई जाता है, उस बुरा काम मत करो तो उसको वो मार देता है, फिर उसके परिवार में कोई जन्म लेता है। कहानी लगभग लगभग सेम होती है लास्ट में, कोई भी फिल्म हो परंपरा यही बताता है कि ये परंपरा है कि लास्ट में सच्चाई की जीत होगी चाहे वो किसी के माध्यम से हो, यही ना बताता है। तो यहाँ समझिएगा साहित्य में युग परिवर्तन, याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन क्या करता है, साहित्य में युग परिवर्तन करता है। अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो पुराना साहित्य पढ़े और अभी के साहित्य में बहुत अंतर हो गया होगा, लेकिन हाँ ये नहीं कि नया वाला चेंज हो गया तो पुराना वाला पढ़ना छोड़ दे, पुराना वाला पढ़ने से फ़ायदा है कि उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उसको निकाल लेना है, उसके कमियों को बदल करके वहाँ अच्छा भर करके, और फिर समाज में वो किताब उसका छपता है जिससे लोग पढ़ करके मोटिवेट होते हैं और लोगों को बताते हैं, ठीक है। साहित्य में क्या करता है, युग परिवर्तन कर देता है। क्रांतिकारी साहित्य रचना के लिए परंपरा का ज्ञान, अगर देखिए सुनिए पहले देखना, जब अंग्रेज आया था ना तो पेपर वगैरह छापने से मना कर दिया था, पता है क्यों, जितने भी बड़े बड़े कवि थे ना वो कहानी के जरिए ही ऐसे लिख देते थे कहानी, लोगों को पढ़ने के बाद से अंग्रेजों के प्रति गुस्सा आ जाता था, पूरा एकदम लिखते थे कि याद करो पुराने जमाने में वो मगध सम्राट था जो कि पूरे लगभग लगभग देखा जाए तो क्या बोलते हैं एशिया के इलाका पर भी मगध साम्राज्य का कब्जा था, दूसरे देश में भी कब्जा था, अखंड भारत था, और आज हम लोग अपने देश को नहीं बचा पा रहे जो अपने देश के अंदर का, ऐसा ऐसा जुनून वाला बात लिखता था। यानी क्रांतिकारी साहित्य की रचना जो भी था वो क्या परंपरा का ज्ञान से ही होता है, पुराना परंपरा में चला आ रहा है जो भी ज्ञान है उसको पढ़ने के बाद से हम लोगों को नए किताब वगैरह लिखने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। साहित्य परंपरा का ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास हुआ है, ये मल्टीपल चॉइस में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। नए कवि जो भी होते हैं, अगर आपको नया कवि बनना है, ठीक है, तो पुराने कवियों को पढ़ना पड़ेगा, आप समझिएगा।
अगर मान लीजिए कि आपको बहुत नॉलेज वाला बनना पड़ेगा ना, तो कहीं से तो नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके लिए किसी ना किसी टीचर के आप फैन जरूर होंगे, तो उनसे सब ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद से अपना ज्ञान जोड़ लीजिए, तो आप उनसे भी ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगे और नया चीज़ की खोज कर देंगे, क्योंकि वो जितना ज्ञान था आपको दे दिए, उसमें आप जब अपना ज्ञान जोड़ रहे हैं, कुछ नया पढ़ते हो तो आपका एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इसका मतलब उनका अनुभव ले लीजिए और फिर अपना ज्ञान ले लीजिए, और इस हिसाब से क्या होता है, नए परंपरा का जन्म ले, नए परंपरा को जन्म देते हैं। यहाँ देखिएगा, नए कवि अपने क्या करते हैं, अपने पूर्व कवियों की रचना का मनन करते हैं। जो भी नया नया कवि बनता है अपने पूर्व यानी पहले के कवियों की रचना का मनन करते हैं, उससे मनन करके उससे कुछ सीखते हैं, और सीखने के बाद से क्या करते हैं, नए परंपरा को जन्म देते हैं कि अब ऐसे जमाना चलेगा। स्वतंत्रता संग्राम में एकात्मक में सहयोग, हम लोगों के साहित्य जो है क्या है बाबू, साहित्य जो पुराना पुराना साहित्य है वो स्वतंत्रता संग्राम यानी लड़ाई में भी मदद करता है, लोगों को एकजुट करने में मदद करता है। ठीक है कि छोड़ो दुनियादारी की बात, अगर कोई विदेश का लोग तुम पर आक्रमण किया है तो तुम ये मत देखो कि किस जात के हो, पढ़ो अपना साहित्य, साहित्य में हम लोग सब एक हैं। ठीक है तो वो सब हम लोग क्या करता है, मोटिवेट करता है, राष्ट्रवाद उत्पन्न करता है। ठीक है, भारत की संस्कृति को बनाए रखने के लिए कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए कितनी खुशी की बात है कि हम लोग भारत में जन्म लिए, और सब देशों में जाने के बाद से वहाँ पता चलता है कि और सब देश में किस तरह की लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे भारत में अनेक प्रकार के बहुभाषी लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, लेकिन देखिएगा हर त्यौहार वगैरह में एक दूसरे को मिल करके एक दूसरे के भाईचारा के रूप में क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ईद में लोग आके एक दूसरे से गले मिलते हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं मुसलमान भी होते हैं, तो ये क्या है, ये साहित्य में लिखा गया है। कि देखिए एक चीज़ दिमाग में बैठ, दिवाली में हमेशा अली को देखिए, और रमज़ान में जब राम दिखने लगेगा तो दुनिया की सारी समस्याएँ ही खत्म हो जाएगी, ये आपका इंडिया यानी भारत सीख देता है। ठीक है तो वही हमारा साहित्य जो रामायण महाभारत एक कड़ी जोड़ने का काम करती है। रामायण और महाभारत जब पढ़िएगा तो उसमें भी ऐसे ऐसे कहानी है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है, दुश्मनों से भी हाथ मिलाने का काम करती है ये रामायण और महाभारत। यहाँ देखिए जो आजकल समाजवादी संस्कृति है वो पुराने संस्कृति से नाता नहीं तोड़िए, पुराना संस्कृति भी होना चाहिए। ठीक है और उससे क्या आत्मसात यानी उससे मिला करके और फिर क्या आगे बढ़ती है, यानी अब इसका मतलब समझिए। आप देखिएगा अगर बाबर अकबर की कहानी बीत चुकी है तो हम लोग काहे पढ़ेंगे, वो पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि उसमें राजा किस तरह शासन किया आकर के, अब दोबारा वैसे आकर के गुलाम हम लोग किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। जिस तरह अंग्रेज यहाँ व्यापार करने हैं आते आते कब्जा कर लिया, ये हम लोग देखे थोड़े हैं, पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये आ करके व्यापार करते करते और कब्जा किया था। तो अब ये ज्ञान हो गया तो अब कोई व्यापार करने आएगा तो उसको यहाँ ज़मीन लेने देंगे हम लोग, नहीं लेने देंगे क्योंकि आएगा तो यहाँ कब्जा कर लेगा। तो इससे हमको पता चलता है पुराने पुराने इतिहास साहित्य से ज्ञान मिलता है कि नए जमाने में नए युग को कैसे परिवर्तित करके रखना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है अब देखिए शुरू से अभी तक की जितनी भी घटना जानना है। ठीक है आप बताइए कि हम लोगों को ये सब पुराने साहित्य के बारे में कैसे पता है, वेद पढ़ते हैं हम लोगों को कैसे पता है कि वेद में क्या क्या लिखा है, कौन सा वेद है, सत्यमेव जयते ये किस वेद से लिखा गया, किस उपनिषद से लिखा गया है, ये सब कैसे पढ़ते हैं, उस सब शुरू से लेकर अभी तक एक किताब में लिखा गया होगा उसको पढ़ने के बाद पता चलता है। अगर वही साहित्य कोई लिखता ही नहीं तो हम लोग को ज्ञान नहीं होता पुराने साहित्य का, तो हम लोग क्या करते हैं, पुराने साहित्य को भूलना नहीं है, नया और पुराना को दोनों को साथ मिला के चलना है ताकि दोनों का ज्ञान हमारे पास रहे। ठीक है परंपरा जोड़ने का भी काम करती है और तोड़ने का भी काम करती है। देखिएगा कैसे बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो लोगों को एकजुट करती हैं। ठीक है अब बहुत सारी ऐसी परंपराएं पुराना चला आ रहा है जो तोड़ने का काम करती है, जैसे सती प्रथा जो था। ठीक है महिलाओं को जला दिया जाता, आपको बताए थे जब पुरुष की मृत्यु यानी पति की मृत्यु हो जाती तो पत्नी को जला दिया जाता, ये परंपरा गलत है, इसको सुधार अंग्रेजों ने भी किया, अपने देश के लोगों ने मिलकर के इसको सुधार किया, लेकिन आप बताइए समाज के जितने भी पुराने लोग थे इस परंपरा के विरुद्ध थे कि नहीं सती प्रथा होना चाहिए, हमारे समाज हमारे संस्कृति का ये रूल है। तो कैसी संस्कृति, यही तो बात है जो बड़े बड़े कवि आए बड़े बड़े विद्वान आए। ठीक है वो बोले कि ये संस्कृति कैसी जिसमें किसी की जान चली जाए। ठीक है याद देखिए नियम कानून जो भी बनाया गया वो इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान को अगर नियम कानून की वजह से नुकसान होगा ना तो नियम को चेंज कर दिया जाएगा, ये नहीं कि इंसान को मार दिया जाएगा। ठीक है तो इस हिसाब से बाबू परंपरा यानी पुराने रूढ़ जितने भी प्रथाएँ हैं, पहले ये भी होता था आपको पता होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर के बारे में, भीमराव अम्बेडकर दलित
परिवार से थे, और भीमराव अंबेडकर को मंदिर में अगर छोटे जाति के लोग चले जाए तो मतलब उन लोगों को अछूत समझा जाता था, और ये साहित्य वगैरह में बहुत जगह लिखा था, ठीक है, कि छोटे जाति के लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, महिला वेद नहीं पढ़ सकती है। तो जब सब लोग साहित्य पढ़े, परंपरा जो भी चले आ रहा था पहले से उसको पढ़े, तो उसमें परिवर्तन की कि नहीं, वो भी एक इंसान है, वो भी जा सकते हैं मंदिर। तो ये जरूरी है, अगर नए जमाने में परिवर्तन करना है तो परंपरा का मूल्यांकन यानी जांच पड़ताल करना है जो चलते आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी, यानी कि हम कहानी के रूप में बताए थे, ये एक निबंध है, आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।